आज हम जा रहे हैं यहाँ से, दिल्ली से मैं जा रहा हूँ यहाँ बिहार के लिए, और मैं भी रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। देखो बिहार का सफ़र हो गया स्टार्ट, तो मैं अभी गरीब रथ में बैठा हूँ, जो पूरी ना एसी है, पर क्योंकि ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, सीट तो मिल गई है, सीट तो कंफर्म थी तो सीट तो मिल गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जैसे जैसे मैं चलता रहूँगा ना आपको जर्नी दिखाऊँगा। मेरी जो सीटें हैं ना वो दोनों मेरी तो ऊपर की है, मैं मेरा भाई लाइटिंग तो देख रहे हो, ये सफ़र है और हम दिल्ली पार कर चुके हैं। दिल्ली पार करने के बाद कुछ ऐसा है, जैसे जैसे जर्नी ना बहुत लंबी है, मैं पहुंचूंगा रात में, तो जैसे जैसे पहुंचूंगा वैसे वैसे मैं अपडेट करता रहूंगा। ये वाला वीडियो मैं अभी अपलोड कर देता हूं। मैं निकला हूं दिल्ली से बिहार के लिए, और बिहार में मैं जा रहा हूं शादी अटेंड करने के लिए, ठीक है, फैमिली के साथ हूं मैं। तो चलिए चल के इंजॉय करते हैं राइड को। तो हम निकले थे 11 बजे, 11:15 की ट्रेन खुली थी वहाँ से, और अब यहाँ हो गए 5:30 हो गए हैं लगभग, और हम तिलहार पहुँचे हैं। और देखिए अभी तो ट्रेन रुकी हुई है, और ये देखिए मुसाफिर चढ़ेंगे। तिलहार पहुंच गए हम लोग, पता नहीं अब ट्रेनें रुक रुक के चल रही है, बहुत सारे बंदे हैं आगे। सिग्नल के लिए रुकी है शायद, शायद सिग्नल चाहिए उसे। ये तकरीबन 10-15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन चल चुकी है। बहुत सारे बंदे हैं यहाँ, आगे भी देखता रहूँगा मैं, जहाँ जहाँ मैं हो सकेगा वहाँ रिकॉर्ड कर लूँगा और आपको दिखा दूँगा, ठीक है। लखनऊ रेलवे स्टेशन आ गया हूँ मैं, ये ट्रेन पहुंच चुकी है, ये ट्रेन है डिले, मतलब तकरीबन 1-1.5 घंटा डिले हो चुकी है लखनऊ के लिए। तो मैं लखनऊ तो आ चुका हूँ मैं, अब यहाँ नाश्ता वास्ता करने के लिए हम लोग, मैं उतरा हूँ, नाश्ता ले लिया है मैंने, कुछ फल वल भी ले लेता हूँ मैं, आप देख लीजिए तब तक। लखनऊ वही उत्तर रेलवे में आपका स्वागत है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं छपरा में, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हम, यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ से मैं गाड़ी कर लूँगा, गाड़ी करके हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो पहुंच गए हम, तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, देख रहे हैं छपरा।
देख रहे हो ऑटो में डीजे लगा हुआ, पूरे डीजे लाइटिंग करके भैया ने मस्त सजा रखा है अपना ऑटो। मैंने कर लिया यहाँ से रिजर्व घर के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, सुबह इतनी भीड़ होती नहीं है। ये देखो सुबह का कोहरा, बादल ऐसे लग रहा है बादल नीचे आ गए। देख रहे हो खेत है, खेत के ऊपर इतना कोहरा है, ऐसे लग रहा है ना बादल आ गए हैं, बादल देख लो बादल। सुबह ना बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पे, देख रहे हो जब चले थे तो अंधेरा था और थोड़ी देर में ही ना सुबह निकल जाता। गांव का ये फायदा है, गांव में बहुत पहले ही उजाला हो जाता है, बहुत पहले सुबह निकल जाता है। तो ऑलमोस्ट मैं अपने गांव के अंदर आ चुका हूँ, ये मेरे गांव वाली रोड है। ये गाँव तो ये अंदर जो गाँव के अंदर रोड जाती है वो है, ये रोड देख रहे हो पक्की है, ये रोड भी बनी हुई है। ये देखो तार के पेड़, ये तार के पेड़ हैं। मेरा कल हम चढ़े थे, कल चढ़े थे 11 बजे, 11 बजे से अब हम पहुंच गए थे यहाँ, ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी तो हम पहुंच गए थे लगभग 4:30 बजे। और फिर गाड़ी करी वहाँ से, ऑटो कराया, ऑटो करके फिर घर जा रहे। तो मैं भी आया हूँ दूध सेंटर पे, सबसे पहले सुबह सुबह दूध लेने आया हूँ मैं, ताकि बच्चों को वो दूध वूध पीना होगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं हूँ गांव में, शहर तो है नहीं कि दुकानों में अवेलेबल होता है, दुकानों में होता है पर बहुत कम होता है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था, चल रहा है ना ये 2-3 बार बंद हो गया, तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन ना आपके राइट साइड में है, जब आपके स्क्रीन के राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर का, उसको प्रेस कीजिएगा। जैसे उसको प्रेस करते हैं फिर बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो वो जो भी वीडियो मैं लेटेस्ट डालूँगा ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।